हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 2 tan inverse -3 = -5/2 +tan inverse -4/3। नाउ बेटा सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। नाउ बेटा फर्स्ट स्टेप देखिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। तो बेटा ये 2 tan inverse -x है, तो क्या बनेगा? माइनस का 2 tan inverse 3। नाउ बेटा ध्यान से देखिए, अब हमें फॉर्मूला लगाना है 2 tan inverse x का। 2 tan inverse x, यहाँ पर बेटा देखो x जो है वो बड़ा है 1 से, तो x जो है वो बड़ा है 1 से। अगर x बड़ा होता है 1 से तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला होता है पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x². बेटा कंडीशंस को याद रखिएगा नाउ। तो बेटा ये फॉर्मूला बनेगा माइनस, बाहर रख लिया, पाई प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 2 × 3 अपॉन 1 - x² मतलब 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस का पाई आ गया बेटा, ये माइनस हो गया टेन इनवर्स, अब बेटा ये कन्वर्ट होके हो गया 6 अपॉन माइनस का 8, 1 - 9 माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 आ गया। टेन इनवर्स माइनस एक्स, अगेन माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा 3/4 आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी पता है बेटा, हमें पता है टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स के, तो हम इसको कॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट करा माइनस पाई प्लस π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। माइनस पाई और प्लस π/2 क्या हो जाएगा? माइनस का π/2 हो जाएगा, और माइनस कॉट इनवर्स 3/4। अब बेटा जो हमें प्रूफ करना है उसको आप ध्यान से देखिए, तो आपको जो प्रूफ करना है वो माइनस का π/2 है, प्लस का टेन इनवर्स माइनस का 4/3 है। तो अब आपको देखो माइनस π/2 आ गया आपके पास, अब आपको कॉट को टेन बनाना है। तो कॉट को टेन बनाने के लिए आप क्या करिए, वही कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के, तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाइए, तो ये क्या बनेगा? टेन इनवर्स 4/3 हो जाएगा। और इस माइनस को अब आप अंदर ले जाइए बाय द प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इसको अंदर ले जाइए, तो ये बनेगा -π/2 प्लस टेन इनवर्स -4/3। और बेटा देखो ये आपका प्रूफ हो गया, -π/2 प्लस टेन इनवर्स -4/3। थैंक यू।